हाउ नॉट टू बी एन इमोशनल फूल, या फिर अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, अपने इमोशंस पे क्या किया जाए। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई कहते हैं कि आप इमोशनल हैं, तो देन यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन, क्योंकि इमोशंस होना इस बात की निशानी है कि आप एक इंसान है। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, अपने इमोशंस पे क्या किया जाए। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई कहते हैं कि आप इमोशनल हैं, तो देन यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन, क्योंकि इमोशंस होना इस बात की निशानी है कि आप एक इंसान है। शायद दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। सो प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके इमोशंस की इंटेंसिटी बढ़ जाए। जैसे अगर आपको एंगर की बजाय एग्रेशन शुरू हो जाए, अगर आपको सैडनेस की बजाय डिप्रेशन शुरू हो जाए, अगर आपको गिल्ट की बजाय रिमोर्स हो जाए, सो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको इन इमोशंस की इंटेंसिटी पे काम करने की जरूरत है, आपको इसकी इंटेंसिटी कम करनी है। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज इट दैट वेल एंड गुड, अदरवाइज टेक प्रोफेशनल हेल्प। सो पहला स्टेप है कि आप अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करें, कौन सा इमोशन है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। उसके अलावा जब भी आपको कोई इमोशन डिस्टर्ब करता है, आप ये देखें कि उसके ट्रिगर्स क्या बनते हैं। क्या कोई सोशल ट्रिगर है, कोई फैमिली ट्रिगर है, कोई जॉब का ट्रिगर है, उन ट्रिगर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने के बाद जिन लोगों के साथ आप हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका कोई कुलीग है या कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी एंट्री कर रहे हैं और आपको इमोशनल पेन दे रहे हैं, तो उसके साथ अच्छे तरीके से असर्टिवली हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करें। इसके साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि आपकी लाइफ के जितने प्रॉब्लम्स हैं, अगर तो वो सॉल्व हो सकते हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर वो सॉल्व नहीं हो सकते तो उनको एक्सेप्ट करें एंड ट्राई टू रैशनलाइज देम विद रैशनल थॉट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स बुक्स इसमें मिल जाएंगे कि हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जब इमोशंस आपसे मैनेज नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली आपका माइंड भी बहुत डिफरेंट आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको सूथ करने के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी में एक ब्लड रश होता है। अक्सर आपने गौर किया होगा कि जब आप बहुत थक जाते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा दिन में कोशिश करें कि एक टाइम 30 मिनट्स के लिए माइंडफुलनेस या कोई ना कोई रिलैक्सेशन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास कोई ना कोई नॉन जजमेंटल पर्सन होना चाहिए जो कि आपकी बात सुने डेली बेसिस पे, नहीं तो वीकली बेसिस पे आप उसके साथ वेंट आउट कर सके। क्योंकि जब आप लोगों के साथ वेंट आउट नहीं करते, एट द एंड ऑफ द डे वो डिप्रेशन और एंजाइटी बन के निकलता है। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप मनन के जरिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिजिकल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आप मेरी मजीद वीडियोस मनन पे देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको बहुत सारी मजीद वीडियोस मिलेंगी जो कि मैं काफी अर्से से मनन पे अपलोड कर रही हूँ। सो मैं आपको इसके साथ साथ एक टेक होम मैसेज देना चाहूंगी कि मजीद देर ना करें, अपनी हेल्प करें, अपनी जिंदगी को खराब ना करें। लोग देख लेंगे आपको इमोशनल फूल बनाने के लिए, लेकिन अब आपने हेल्दी स्टेप्स लेने हैं खुद को बचाने के लिए। और अगर आपसे नहीं बचा जा रहा, तो डू टेक प्रोफेशनल हेल्प। थैंक यू सो मच।